Thank you. Excuse me, side please. Thank you. तो यहाँ पे प्रतीक है, शिलोम है, कुणाल है और मैं हूँ. मैंने इन तीनों को चुना. आई वॉन्टेड टू सी वॉट थ्री पीपल फ्रॉम फैशन, फूड एंड आर्ट कम टुगेदर एंड क्रिएट. सो इट शुड बी फन टू वॉच. मैंने भी अभी तक देखा नहीं है व्हाट वी गोना गेट. सो लेट्स सी, आई एम गोना बी लाइक द ऑडियंस, इवन आई विल डिस्कवर इट टुडे. क्या आर्ट में? यार आर्ट इज, आई मीन आर्टिस्ट, आई बिलीव इन क्रिएटिव फॉर्म्स इन ऑल सॉर्ट्स. सो वेदर इट्स पेंटिंग और इट्स म्यूजिक, इट्स डांसिंग, इट्स ऑल आर्ट एट द एंड ऑफ द डे. फूड इज एन आर्ट. तो मैं एज एन आर्टिस्ट हमेशा विश्वास करता हूँ कि लोग जब अपने काम से थके हारे वापस घर आते हैं तो एक आर्ट फॉर्म ही है जो उन्हें एक स्ट्रेस बस्टर की तरह ट्रीट करता है. सो आर्ट इज इम्पॉर्टेंट टू इंस्पायर यू, to motivate you. We have a lot of fantastic artists today. We have rappers who are artists today. We have people who make clothes that are artists. So it's art exists in so many forms. हाँ, कुछ नहीं यार, मैं पानीपत की शूटिंग कर रहा था. तो एक्शन फिल्म है, तो कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन थोड़े से पेचीदे होते हैं. दिस इज जस्ट अ नाइस मेमोरी ऑफ पानीपत टू हैव. वाला प्रमोट इंडियाज मोस्ट वांटेड, अभी ये रोज दिखेगा जी. क्या उनके साथ? मैं उनके साथ अभी हाल ही में शूटिंग कर रहा था. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ही इज समबडी हु आई हैव लुक्ड अप टू एज अ चाइल्ड. आई थिंक वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग संजू सर
as an actor, as a star, as somebody who's whose personality is larger than life. So when you walk onto set with him, you realize why he's larger than life. But he's like a child. He's so humble. And he keeps वो जैसे आपसे बात करता है आपको लगता नहीं वो फिल्म के विलेन है और आप उनके साथ टक्कर करने वाले ऐसा लगता है वो आपके फेस के साथ खेलने लगते हैं. वेरी डिफिकल्ट टू बी दिस कि मैं सदाशिव राव भाऊ और वो अहमद शाह अब्दाली बिकॉज इस लाइक ऐसे चीक्स के साथ खेलते रहते हैं. शॉर्ट जी थैंक यू मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आई थिंक द नाइस पार्ट इज की बहुत रेलिवेंट फिल्म है आज का जो माहौल है. हिंदुस्तान जो नया हिंदुस्तान है जो जागा है जो सवाल पूछता है जो जवाब चाहता है. और जहाँ तक इस फिल्म की बात करें तो टेररिज्म इज समथिंग दैट इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना टुडे. इट हैज़ गॉन बियॉन्ड इंडिया एंड एशिया. इट इज समथिंग वी हैव सीन अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड सो फास्ट एंड दिस इज वन सच स्टोरी ऑफ दोज पीपल ऑफ दोज ह्यूमन बींग्स दैट वेक अप एवरी मॉर्निंग टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री. हम हमेशा बात करते हैं यू नो दैट देर आर हीरोज बट देर आर सो मेनी अनसंग हीरोज आउट द जिनकी कहानी बोली नहीं जाती या बोल नहीं पाते वो खुद. तो हमें मौका मिला है और एज आर्टिस्ट आई थिंक कई बार यू नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ योर कंट्री रादर देन जस्ट बी एंटरटेनर्स अलोन. सो इट्स अ फिल्म दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी पार्ट ऑफ. थैंक यू. Allowed him to be part of this wonderful creative journey to the world to life.